Hello students. Hi, I'm Yuvraj Bachawat, Chartered Accountant and DSO qualified. I'm coming up for the first time with my video lectures on the subject ISCA, Information Systems Control and Audit, to make this subject very simple and scoring for you. So this is the first lecture of our subject. Here I'll be discussing about the subject. We'll be giving you an introduction to the subject. Yes, so शुरू करने के पहले मैं आपसे आपके views जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगता है ये subject. Whenever I go for lectures, मैं students से पूछता हूँ, sir कैसा लगता है subjects, आप बताइए, तो वो एक ही जवाब देते हैं, या majority से मेरे को एक ही चीज़ सुनने मिलती है, sir it's very difficult, समझ नहीं आता, learn नहीं होता. Yes, हम questions को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, answers भूल जाते हैं, answers याद करते हैं, उसका question क्या था? वो याद नहीं आता. I can understand majority students face the same problem. लेकिन believe me, if you will follow these lectures, at the end of the lectures, जैसे ही मैं सारे chapters आपके cover करता हूँ, this will become the simplest subject for you and the most scoring subject for you. Students who have studied from me, they have scored twice to thrice more than their previous attempt marks. Yes, I have taught students जिनके पहले marks थे, say for example 27, they have scored 74, above 80s, बहुत अच्छा score किया है. तो ये एक myth है students के लिए कि this subject is difficult. Believe me, again मैं बोल रहा हूँ, trust place करना, believe करना कि this is the simplest subject which you are going to study in CA final. Yes, so starting with the subject. अगर अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स एंड ऑडिट. यस, ध्यान से सुनना, अटेंशन देना, हर कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा. सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स एंड ऑडिट. सो द फर्स्ट वर्ड विच वी आर कमिंग अक्रॉस इज इंफॉर्मेशन. यस, फर्स्ट वर्ड जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है आपके लिए? इंफॉर्मेशन. सो वॉट इज इंफॉर्मेशन, माई फर्स्ट क्वेश्चन. जब आपने आईपीसीसी पढ़ा था तब आपके सामने डेटा आया था और इंफॉर्मेशन आया था, दोनों का आपने मतलब समझा था, कंसेप्ट समझा था, एंड यू डिफरेंशिएटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन. सो व्हाट इज द डिफरेंस? टू कीप इट सिंपल, अपन एक ही चीज समझ के चलते, अगर कोई चीज डिसीजन लेने में हेल्पफुल है तो वो है इंफॉर्मेशन, और किसी चीज को लेके अगर मैं डिसीजन नहीं ले सकता तो वो है डेटा. से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज मैंने आपको एक फिगर दे दिया, अब इससे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो दिस इज व्हाट? सिंपली डेटा, रॉ फैक्ट्स क्या हो गए अपने लिए? डेटा हो गए. लेकिन अगर मैं बोलूं दिस 1 लाख इज सेल्स फिगर ऑफ दिस क्वार्टर ऑफ दिस और दिस सेल्स रीजन, तो हो सकता है हम इसे लेके कोई डिसीजन ले सके. इफ वी आर इन अ पोजिशन टू टेक डिसीजन, देन इट इज व्हाट? इंफॉर्मेशन. आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट. सो पहली चीज जो हमने समझी वो है व्हाट इज इंफॉर्मेशन. चलते हैं सेकंड कंसेप्ट पे, व्हाट इज सिस्टम. यस, सोचिए और मुझे बताइए आपके हिसाब से एक सिस्टम क्या हो सकता है. आप आजू बाजू कहीं भी देखेंगे आपको सारी चीजें सिस्टम्स के फॉर्म में ही मिलेगी. यस, से फॉर एग्जाम्पल दिस व्हाइट बोर्ड इज अ सिस्टम फॉर मी, दिस व्हाइट बोर्ड मार्कर is a system for me, my body is a system for me, even a camera is a system for me, AC is a system for me, manufacturing unit is a system of me, for me. I've given you n number of examples. Yes, तो अपन कैसे conclude कर सकते हैं और क्यों इन्हें system बोल सकते हैं? तो ध्यान से सुनना और समझना, कोई भी चीज को सिस्टम तब बोलेंगे जब वो बहुत सारे कॉम्पोनेंट से मिलके बना होगा. किससे बना होगा? मिलके, कंपोनेंट से मिलके बना होगा. तो एक सिंपल से एग्जांपल व्हाइट बोर्ड मार्कर का मैं ले रहा हूं आपके साथ. ये व्हाइट बोर्ड मार्कर बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना है, कैप है, बॉडी है, अंदर रिफिल है. यस, अगर मैं बोलता हूं ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो क्या मैं सही बोल रहा हूं? एब्सोल्युटली यस. सो ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटर कनेक्टेड एंड ये साथ में कनेक्ट होकर कोई पर्टिकुलर पर्पस या गोल के लिए काम करे. अब इस व्हाइट बोर्ड मार्कर का गोल क्या है सर? व्हाइट बोर्ड पे लिखने में हेल्प करना. तो एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ लो, अगर कोई भी चीज बहुत सारी चीजों से, सब यूनिट से, कंपोनेंट से मिलकर बनी है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी है और वो पर्पस अकम्प्लिश हो रहा है तो वो हो गया सिस्टम. बहुत इजी सा एग्जांपल था, कैलकुलेटर भी एक सिस्टम है, बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स है सर, सारे कंपोनेंट साथ में काम कर रहे हैं ताकि अपन कैलकुलेट कर सके.
चलते हैं आगे, जो नेक्स्ट टर्म अपने लिए आ रही है, दैट इज व्हाट? इंफॉर्मेशन सिस्टम. व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? एनी सिस्टम दैट जनरेट्स इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन सिस्टम. कोई भी सिस्टम जो हमें इंफॉर्मेशन जनरेट करके दे रहा है, जिसे हम यूज करके कोई डिसीजन ले सकते हैं, तो वो क्या हो गया? इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब सर, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनुअल भी हो सकता है, कंप्यूटराइज भी हो सकता है. ध्यान से सुनना, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनुअल भी हो सकता है और कंप्यूटराइज भी हो सकता है. अगर कोई इंफॉर्मेशन हमारे को मैनुअली ह्यूमन एफर्ट से मिल रही है, तो वो हो गया मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम. और वही इंफॉर्मेशन कोई सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू मिल रही है, तो वो हो गया कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. 11th 12th में भी आप बैलेंस शीट बना रहे थे, और आज भी आप जब आप सीए कर रहे हैं, तब कंपनीज की बैलेंस शीट बना रहे हैं. डिफरेंस क्या है, चीज समझते हैं. जब हम पहले 11th 12th में कर रहे थे, तो सर जर्नल भी हम खुद प्रिपेयर कर रहे थे, लेजर भी हम बना रहे थे, ट्रायल बैलेंस भी हम बना रहे थे, पीएनएल अकाउंट भी हम बना रहे थे, बैलेंस शीट भी हम बना रहे थे, मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, सारी चीजें हम कर रहे थे. लेकिन आज आप देखेंगे, वी आर यूजिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली. मैं इनपुट उसमें करूंगा, टैली सारी चीजें कैलकुलेट करेगा और मुझे पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट बना के देगा. तो ये जो टैली वर्क कर रहा है मेरे लिए, तो इसे क्या बोल देंगे अपन? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. दोनों इंफॉर्मेशन सिस्टम, चाहे मैनुअल हो चाहे कंप्यूटराइज्ड हो, दोनों का ऑब्जेक्टिव तो क्या है सर? सेम ही है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. नेक्स्ट, अगर मैं लेवल पे जाता हूं, तो मैंने आपको बताया कोई भी सिस्टम होगा तो वो किससे बनेगा? बहुत सारे कंपोनेंट से बनेगा. तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन सिस्टम भी किससे बनेगा? बहुत सारे कंपोनेंट से बनेगा. अब अगर मैं बात करता हूं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो उसके कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? थोड़ा सा आप सोचिए और मुझे बताइए सर, इसके कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? जब अपन बात कर रहे हैं CBIS की, तो अगर आप बात करते हैं CBIS की, तो चीज समझिए, बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ. से फॉर एग्जांपल टैली. सर टैली इज अ CBIS, लेकिन टैली खुद में क्या? एक सॉफ्टवेयर है. क्या है सर? एक सॉफ्टवेयर है. तो सर CBIS के कंपोनेंट्स में सॉफ्टवेयर तो होगा ही, लेकिन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सर हार्डवेयर का भी होना जरूरी है. तो सर कंपोनेंट्स में हार्डवेयर भी होगा. हो सकता है कि मैं ब्रांच एक्स लोकेशन पे है एंड हेड ऑफिस वाई लोकेशन पे है, मेरे को एक्स लोकेशन को वाई लोकेशन से कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए मुझे नेटवर्क चाहिए, तो सर कंपोनेंट में नेटवर्क भी आएगा. सर इसे यूज कौन करेंगे? हम लोग करेंगे. तो कौन आएंगे सर? पीपल भी आएगा. एंड फाइनली सर वो इंफॉर्मेशन तभी जनरेट करेगा जब मैं उसे डेटा प्रोवाइड करूंगा, तो डेटा भी इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाएगा. तो क्या क्या कंपोनेंट्स हो गए? इट्स वेरी सिंपल, इट्स हार्डवेयर, इट्स सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटा एंड पीपल. कंफर्टेबल एवरीवन? आई होप सबको समझ में आ रहा है. एक और मैं बेसिक क्वेश्चन आपके सामने रेज करना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर अपन मैनुअली इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते थे, तो अपन कंप्यूटर्स के लिए गए क्यों? सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना. सर इंफॉर्मेशन तो मैनुअली भी जनरेट कर सकते हैं, तो कंप्यूटर्स के लिए जाने की क्या जरूरत है? तो उसका सिंपल सा रीजन है, कंप्यूटर थोड़े ऐसे बेनिफिट्स दे रहा है, ये यू कैन से थोड़ी जो लिमिटेशन मैनुअल सिस्टम की थी उसे ओवरकम कर रहा है. से फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, दो अलग टर्म्स है, दो अलग वर्ड है, दोनों का मीनिंग अलग है, ध्यान से समझना. आज अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा कंप्यूटर हमेशा कंसिस्टेंटली वर्क करेगा एंड एक्यूरेटली वर्क करेगा, अनलेस कोई एक्सेप्शनल कंडीशन अगर होती है. जैसे सर से फॉर एग्जांपल, मतलब समझा रहा हूं मैं कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी को. अगर मैं करता हूं 2 into 2 और मुझे मिलता है आंसर 5, समझना, अगर 2 into 2, 2 multiplied by 2 करता हूं एंड इफ आई एम गेटिंग 5, 10 टाइम्स करता हूं आई एम गेटिंग 5, दैट मींस माय सिस्टम इज कंसिस्टेंट बट इट इज नॉट एक्यूरेट. बट अगर 2 into 2 करता हूं एंड आई एम गेटिंग 4, 10 टाइम्स कर रहा हूं, 10 के 10 टाइम्स मुझे मिल रहा है 4, दैट मींस माय सिस्टम इज एक्यूरेट एज वेल एज कंसिस्टेंट. तो ये जो थोड़े फीचर्स है जो कंप्यूटर्स ऑफर कर रहा है, जिसकी वजह से अपन उसकी तरफ जा रहे हैं. देयर आर मेनी मोर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग लेटर. गेटिंग माय पॉइंट? अब चलते हैं आगे. मैंने आपको समझा दिया सर इंफॉर्मेशन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रेट. सर अगर मैं बात करता हूं इंफॉर्मेशन सिस्टम की, क्या मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम पे थ्रेट्स आ सकती है? सोचिए और मुझे बताइए, क्या थ्रेट्स आ सकती है? यस सर, डेफिनेटली
थ्रेट्स मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आ सकती है। तो कौन कौन सी थ्रेट्स आ सकती है? सर आप सोच रहे होंगे तो आप मुझे बताएंगे, सर हैकर हैक करके जा सकता है, एक्सीलेंट कोई मेरा कंप्यूटर रिसोर्स ही लेके जा सकता है, थेफ्ट हो सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, थेफ्ट भी हो सकता है ना। साथ ही साथ आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा सर फायर, वाटर, पावर फेलियर, पावर फ्लक्चुएशन, ये बहुत सारी थ्रेट्स है जो मेरे एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को या तो डिसरप्ट कर सकती है या डैमेज कर सकती है। तो मुझे मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? प्रोटेक्ट करना जरूरी है। किन से? इन थ्रेट्स से। सो प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? कंट्रोल्स। यस एवरीवन, ध्यान से समझना, अगर मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम पे थ्रेट्स आ रही है तो उनसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है, और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाऊंगा? कंट्रोल्स। सो व्हाट आर कंट्रोल्स? Controls are mechanisms that will protect my information system assets from threats. Repeat करना, controls क्या है सर? वो mechanisms है जो protect करेंगे मेरे information system assets को किन से? थ्रेट से। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या देता है सर? इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर कंट्रोल्स को मैं इंफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से देखूं तो कंट्रोल्स क्यों लगाए जा रहे? तीन चीज इंश्योर करने के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ध्यान से समझना, कंट्रोल्स क्यों लगा रहे हैं? टू इंश्योर CIA। व्हाट इज C? C स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I stands for integrity, A stands for availability. Yes, repeat karna, C stands for confidentiality. What do we mean by confidentiality, sir? Agar maine meri information mere system mein store kari hai, to sirf जो मेरे ऑथोराइज्ड पर्सन से वही उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते, अनऑथोराइज्ड पर्सन से एक्सेस नहीं कर सकते। व्हाट इज इंटीग्रिटी? सर अगर एक बार मैंने इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी है तो उसमें अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, जैसे स्टोर थी वैसी ही रहनी चाहिए। एंड व्हाट इज अवेलेबिलिटी? जब भी मैं उसे एक्सेस करना चाहूं वो मेरे सामने अवेलेबल होनी चाहिए। चलते हैं आगे सर, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है मेरे पास आफ्टर कंट्रोल्स, ऑडिट। यस, और वो तो हम सब कर ही रहे हैं। सो व्हाट इज ऑडिट सर? हम ऑडिट में ये चेक करेंगे कि जो कंट्रोल्स लगाए गए हैं वो एडिक्वेट है या नहीं। एडिक्वेट मतलब जिस लेवल के कंट्रोल्स होने चाहिए उस लेवल के कंट्रोल्स है या नहीं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा या सिस्टम मेरे कंप्यूटर रूम में पड़ा है तो उस रूम को सिक्योर करने के लिए आई यूज व्हाट? बायोमेट्रिक लॉक। आई वोंट गो फॉर नॉर्मल कीप, नॉर्मल लॉक। यस, जो अपन बोलते हैं ना ताला चाबी, उसके लिए अपन नहीं जाएंगे। किसके लिए जाएंगे सर? बायोमेट्रिक लॉक, क्योंकि वो क्या करेगा? हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी अपन को प्रोवाइड करेगा। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा कि जो कंट्रोल्स लगाए गए हैं वो एडिक्वेट है या नहीं, एंड जो कंट्रोल्स लगाए गए हैं वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं नहीं। तो दो चीजें चेक करेगा, एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। और जैसे ही आप ये चीज कर लेते हो आप देखो कि आपके सब्जेक्ट ऑलमोस्ट पूरा कवर हो रहा है, और इसी कंसेप्ट पे आपके सारे चैप्टर्स बेस्ड हैं। यस, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले ये जानना जरूरी है वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए और समझिए कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं हम आपको। आज अगर अपन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो हर कोई किस पे डिपेंडेंट है सर? इंफॉर्मेशन सिस्टम पे डिपेंडेंट है। टू जनरेट व्हाट? इंफॉर्मेशन। एंड अल्टीमेटली सर वो इंफॉर्मेशन क्यों यूज करे? टू टेक डिसीजंस। अब अगर मेरे स्टेक होल्डर्स उस इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट प्लेस कर रहे हैं तो उनका ट्रस्ट ब्रेक होना नहीं चाहिए। सो वी हैव टू एंश्योर कि जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा करेक्ट रहे, वो हमेशा एक्यूरेट रहे, उसमें कोई अनऑथराइज चेंजेस नहीं हो, और इसलिए अपन उसमें कंट्रोल्स लगा रहे। तो कैसे कंट्रोल्स डिजाइन करेंगे, कौन कौन से कंट्रोल्स अवेलेबल है, कौन कौन से सिस्टम्स अवेलेबल है, कैसे वो बनेंगे, कैसे वो डिजाइन किए जाएंगे, सारी चीजें अपन कहां समझेंगे? इसका सब्जेक्ट में समझेंगे। यस, दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, वेरी वेरी स्कोरिंग फॉर यू। आराम से समझना, ध्यान से सुनना, कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करोगे। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट दिस सब्जेक्ट? जब मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो आई विल बी यूजिंग माय बुक। यस, आई हैव रिटन माय बुक। आप सबके पास में वो बुक रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं उसे एज अ रेफरेंस फॉलो करूंगा।
I'll make you highlight all the key points. So everyone should have highlighter. जो भी ये lectures view करे, make sure आपके पास में क्या रहे, highlighter रहे. जो key points, important questions में mark करा रहा हूँ, वो जरूर करके जाना. Exam point of view से वो बहुत important होंगे. Yes. So ये था आपका introductory lecture. अभी मैं आगे discuss करूँगा कितने चैप्टर्स है, कैसे उसे अपन क्लासिफाई कर सकते हैं. लेकिन उसके पहले आई वुड लाइक कि आप सब जो भी ये व्यू कर रहे हैं एक बार इसे नोट कर लें ताकि एक आइडिया आ जाए कि ये सब्जेक्ट कैसे अपन पढ़ने वाले. यस, सो गिविंग यू 2 मिनट्स, क्विकली स्टार्ट नोटिंग इट, फिर वील स्टार्ट एंड रिज्यूम आगे. यस, ये सो आप सब ने नोट कर लिया होगा. मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ मेरी बुक के बारे में. सो दिस इज गोइंग टू बी माई बुक. ध्यान से देख लीजिएगा, हर चीज आपको बुक में पॉइंट वाइज मिलेगी. यस, एवरीथिंग वुड बी पॉइंट वाइज. तो ध्यान से अपन को पढ़ते जाना है, हर एक पॉइंट को कवर करते जाना है. ओके, सो सबसे पहले अगर बात करता हूं मैं चैप्टर्स की, तो इन टोटल देयर आर गोइंग टू बी 8 चैप्टर्स. कितने चैप्टर्स इसका हमें पढ़ेंगे सर? अपन 8 चैप्टर्स पढ़ेंगे. अगर आप मेरे कंटेंट्स के पेज पे आते हैं तो आपको 8 के 8 चैप्टर्स मिलेंगे. प्लस आई हैव गिवन वन 9 चैप्टर, दैट इज नॉट बेसिकली चैप्टर, ये केस स्टडीज है. जो भी पास्ट ईयर के एग्जाम्स में केस स्टडीज पूछी गई है वो मैंने एक समराइज फॉर्म में आपको दे दी है. तो जस्ट वील डिस्कस द नेम ऑफ द चैप्टर्स एंड वील ट्राई टू क्लासीफाई द सेम इन द सब्जेक्ट. ठीक है, तो आप सब देखेंगे अपनी अपनी बुक्स में, एंड बुक्स में जब आप देख रहे हैं तो आपको फर्स्ट चैप्टर मिलेगा Concepts of Governance and Management of Information System. पहला चैप्टर देख रहे हैं सब? ध्यान से सुन लेना, पहला क्या है? Concepts of Governance and Management of Information System. चैप्टर नंबर 2 आपको मिलेगा Information System Concepts. चैप्टर नंबर 2 कौन सा है सर? रिपीट करना मेरे साथ में, Information System Concepts. चैप्टर नंबर 3 आपको मिलेगा Protection of Information System. चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. चैप्टर नंबर 4 होगा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एंड डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग. चैप्टर नंबर 4 है वापस से BCP एंड DRP. चैप्टर नंबर 5 है आपका एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. रिपीट करा, चैप्टर 5 कौन सा है? Acquisition, Development and Implementation of Information System. Chapter number 6 है आपके लिए Auditing of Information System. कौन सा है? Auditing of Information System. Chapter number 7 है आपका IT Act and Regulatory Issues. And Chapter number 8 है आपका Emerging Technologies. So in total there are 8 chapters. अब अपन इन 8 chapters को अपने subject में classify करने की कोशिश करेंगे. देखिए समझिएगा, logically जाएंगे अपन बड़ा. So पहला ले लेता हूँ मैं IAS, सेकेंड ले लेता हूं कंट्रोल्स, एंड थर्ड ले लेता हूं ऑडिट. सो देखिए क्या हो गया, ISCA, दैट इज इसका, दैट इज व्हाट सर, इसका. अब अगर मैं बात करता हूं सब्जेक्ट को पढ़ने की, तो पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि कितने टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मार्केट में अवेलेबल है, उनके क्या क्या फीचर्स है, उनके क्या क्या बेनिफिट्स है, उनका क्या रोल है, उनकी क्या लिमिटेशन है. मतलब मेरे पास पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में. सो फर्स्ट चैप्टर विच आई विल क्लासिफाई अंडर ISCA चैप्टर नंबर 2. कौन सा कर रहा हूं? चैप्टर नंबर 2. एक बार मुझे पता चल गया सर ये टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स अवेलेबल है, इनके ये बेनिफिट्स है, फिर व्हाट आई विल डू इज मैं ये सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करूंगा या एक्वायर करने की कोशिश करूंगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे मेरी नीड्स फुलफिल हो जाए. तो नेक्स्ट चैप्टर विल बी चैप्टर नंबर 5, एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. लेकिन जब भी मैं ये सिस्टम्स बना रहा हूं सर, आई विल मेक श्योर जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है मार्केट में वो मेरे सिस्टम में हो. तो आई हैव टू स्टडी व्हाट, चैप्टर नंबर 8, दैट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. कौन सा चैप्टर हुआ सर? चैप्टर नंबर 8, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. लेकिन सर ये बनाने के लिए किसी ना किसी को रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल करना रहेगा, ये देखना रहेगा कि इसका मैनेजमेंट बराबर हो रहा है. तो आई हैव टू स्टडी चैप्टर नंबर 1, दैट इज कंसेप्ट्स ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. बड़ा सिंपल रख रहा हूं मैं. देखिए पहले देखा कौन कौन से सिस्टम्स अवेलेबल है, फिर देखा कैसे वो सिस्टम्स बनाएंगे, जब बना रहे हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज करें, और कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, कैसे ये सिस्टम्स लेके आएंगे. अब
जब भी मैं ये सिस्टम्स बना रहा हूं या ला रहा हूं, आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे सिस्टम में एडिक्वेट कंट्रोल्स हो। तो कौन सा चैप्टर पढ़ूंगा? चैप्टर नंबर 3। और कंट्रोल्स का एक एग्जांपल है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एंड डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, दैट इज व्हाट चैप्टर नंबर 4। तो बड़ा सिंपल है सर, सिस्टम्स लाने हैं, जब लाने हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि उसमें कंट्रोल्स है। अब जब कंट्रोल्स लगाए गए हैं तो एज अ ऑडिटर अपन क्या चेक करेंगे कि वो कंट्रोल्स इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो कौन सा आएगा सर? चैप्टर नंबर 6। एंड अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आईटी एक्ट के साथ कंप्लाई करना है तो अपन ये भी चेक करेंगे कि कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। तो दैट इज व्हाट चैप्टर नंबर 7। सो देखिए मैंने ये सारे चैप्टर्स कवर कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। सो इस वे में वी हैव क्लासिफाइड ऑल द चैप्टर्स इन द सब्जेक्ट इसका। अब एक एक करके मैं चैप्टर्स नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करूंगा। आई होप आप ये वीडियोज एंजॉय कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, फॉलो करते रहिएगा, बिलीव मी यू विल स्कोर इजिली अबव 60। यस, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिस इज मस्ट, एंड डू शेयर इट दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।